क्या बनवाना, वो तो आइसक्रीम वाला लग रहा है मुझे, तो गोटे वाला नहीं लग रहा। बनाया तो क्या, फिर आइसक्रीम मुझे नहीं खाएगा, आइसक्रीम ही खा लेना। आइसक्रीम खाएगा पक्की बात, पहले कुछ तो नहीं बोलना होता। हाँ मेरे जैसे गोटा हो तो मेरे जैसे गोटा होगा तो मैं गोटा खा लूँगा ना, होगा तो मैं तुम्हें ही दिला दूँगी मेरे बेटे को, उसी दिन से परेशान हो रहा है गोटा गोटा गोटा। तो मेरा लंच हो चुका है रेडी, तो आप सब भी आ जाइए, बहुत यम्मी लंच बना है आज का, बहुत ही टेस्टी और बहुत अलग। तो हमारे क्या हुआ, यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो 5-7 दिन से नेट नहीं आ रहे थे, और तो अब मैं वापस व्लॉग डालना शुरू किया हूँ, तो प्लीज़ देखिए और सपोर्ट कीजिए। हेलो कैसे हो आप सब, मॉनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स आज सुबह से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो अब मैं बना रही हूँ पति देव के खाना और मेरे लिए बच्चे के लिए अपने के लिए, तो मैं सोचा मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो बस अभी शुरुआत की है, और मॉर्निंग का जितना भी काम था मैंने वो सारा ख़त्म कर लिया है, कम्प्लीट कर लिया है, और कपड़े भी धो दिए, कपड़े भी सुखा दिए, वो सारा काम हो गया, बस अब खाना बनाना। तो खाने के लिए भी आटा मैंने लगा रखा, सब्जी बना के, क्योंकि आधी की टिफिन जाता है, इसलिए बस रोटी सेकनी, बस वो रोटी सेक रही हूँ अपने। और मॉर्निंग में जितना भी काम होता है ना, तो आज कल टिफिन जाता है तो मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाता है, किचन का जो जितना भी सारा काम होता है, तो मैं 7 बजे किचन के काम से फ्री हो जाती हूँ, बाकी जो घर का काम होता है उससे मैं 9 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो बच्चों के स्कूल जाने से एक फ़ायदा तो हो गया कि घर का काम बहुत जल्दी होने लग गया है, नहीं तो 12 बजे 1 बजे तक होता ही रहता था, चलता ही रहता था इस वजह से। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ सलाद, और सलाद खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है इसलिए। तो लीजिए मेरी थाली तैयार हो गई है, तो आप लोग भी आ सकते हो मेरी थाली में मेरे साथ खाना खाने के लिए और मेरे साथ एंजॉय करने के लिए। और 11 बज गए हैं, तो अब मेरा खाना का टाइम है, हम लोग जल्दी खाना खाते हैं। तो मेरी थाली में है ये जो चने की दाल थी, मैंने रात को बनाई थी, उसकी सीटी लेके टिफिन के लिए तैयार की थी, कमल कलर की सब्जी है, और ये टमाटर है, प्याज है, हरी खीरा पड़ी है, रोटी का छाछ है। तो यहाँ बन रही है मेरे दिन की चाय, और आज थोड़ी सी जल्दी बन रही है क्योंकि पतिदेव यहीं थे, तो उन्होंने उनको कहीं जाना था इसलिए थोड़ी सी जल्दी, और मैं सोकर अभी अभी उठी हूँ। और आजकल मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है, इतनी ज़्यादा नींद आती है कि कम से कम मैं 3 या 4 घंटे सोती डेली। 12 बजे फ्री होके या फिर 11 बजे फ्री होके मैं खाना वाना खा के सोती हूँ ना, तो शाम को 4 बजे से पहले मैं उठती हूँ। आज तो पतिदेव यहीं थे, वो बीच बीच में उठा रहे थे, चाय बना दे मेरे लिए, पानी ले आ, इसलिए। बाकी मैं 4 बजे से पहले उठती हूँ, और चाय मेरे आधी बनाता है उसकी, क्योंकि मेरी रूटीन है चाय बनाने की, बहुत दिनों के बाद में मैं दिन की चाय बना रही हूँ। मॉर्निंग की चाय तो मैं ही बनाती हूँ, पर दिन में जो चाय बनती है वो मेरे आधी बनाता है। चल पापा बुला रहे हैं, पापा बुला रहे, चल। सुना नहीं क्या, सुना ही नहीं तेरे को, नहीं कर रहे। देख जल्दी देख पापा के पास में, आप प्रिंस को बुला रहे हो ना, घुटे वाला आ गया। यार मैं आज मम्मी वो निकल जाएगा यार कहीं से जरा। चल जा मैं गोटा दिलाती हूँ। हेलो हाँ पैसे तो लिया, पैसे वहाँ अलमारी बार, तू गोटे वाले को रोक, मैं भैया को, भैया से मंगवाते पैसे, गोटे वाले को रोक ले। गोटे को गोटा खाना है आज तो, और गोटे वाला फाइनली अभी गया, कहाँ बोल रहा है, ले तेरे को आज गोटा दिलाई तू, कहाँ है वो रहा, किधर है वो दिख रहा, वो रहा वो पेड़ के आड़े देख, नहीं दिखा वो नानी रहती उधर देख, क्या चला जाएगा वो इधर ही आ रहा है, उसको इधर ही आइसक्रीम वाला ही आता है, तूने उसने देखा ना, तुझे देखे नहीं, मैं देख ही पाता हूँ, आइसक्रीम इधर बिल्कुल देख तो देखते नहीं जाते, देख ही नहीं पता, आइसक्रीम तो अच्छी है, वहाँ तेरे पाने मेरे को आइसक्रीम खाने में, कोई नहीं। तो बहुत दिन हो गए, और बहुत दिनों से ही मेरी मिक्सर ख़राब हो रही थी, जो अभी ठीक करवा के लाया है, इसको कल परसों भेजा था, बहुत दिनों से गद पर ही पड़ी थी, कम से कम 2-3 महीने हो गए जब से ऐसे ही पड़ी थी है। तो अभी अभी इसको ठीक करवा के लाया है, अब ये ठीक हो गई, और इसमें लाया शायद सब्जी, क्या सब्जियाँ हैं ये तो मुझे नहीं पता, खाली पड़ी थी अभी, सब्जियाँ लेके आए थे, और सब्जी भी लेके आए 1-2-3 किलो की, और 1 किलो टमाटर है, और 1 किलो ही खीरा ककड़ी है, और धनिया लाए, धनिया मैंने अच्छे से धो के, और थोड़ी देर इसका पानी निकलने के छोड़ दिया, नहीं पालक का, पालक को तो मैं अब भीनूँगी, उसके बाद ही धोऊंगी भीनने के बाद में, तो
लौकी इसलिए इतनी ज़्यादा है क्या है क्योंकि सुबह इनको जूस पीना है इस वजह से। तो मैंने कहा ठीक है लेके आया, नहीं तो एक लौकी बहुत होती सब्जी के लिए और बच्चे वैसे मुँह चिड़ाते हैं। और तो ये पालक है, मैं बैठे बैठे बीन लेती हूँ इसको अच्छे से, फिर धो के फिर इसकी यहाँ मैं पालक को छोटा छोटा कट कर लूँगी ताकि जब इसको मैं उबालूँगी ना तब ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा, जल्दी पक जाएगा। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ सलाद और पालक को मैंने उबालने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर। बारिश शुरू हो गई है तो अब ताजी ताजी खीरा ककड़ी टमाटर अच्छे से आने लग गए हैं तो सलाद भी बहुत अच्छा और टेस्टी बन जाता है। तो ये मैंने सलाद कट कर दी, दो खीरा ककड़ी एक टमाटर और पतिदेव मैं बच्चे सब खाएंगे, पर पतिदेव वीडियो में नहीं आना चाहते इस वजह से मैं उनको नहीं लूँगी। पर कोई नहीं, मैं तो आ रही हूँ ना, मेरे बच्चे आ रहे हैं, और क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा, इसलिए मैंने यूट्यूब से पी ली खाना बनाने के लिए। बेटा पालक मेरा उबल गया है और अब मैं इसको हाथ से मैश करूँगी, मिक्सर में नहीं करूँगी क्योंकि मिक्सर में बिल्कुल महीन पेस्ट हो जाता है इसका, इस वजह से नहीं करूँगी क्योंकि फिर ऐसे बिल्कुल बारीक पीस लूँगी ना तो पति देव मेरे से बोलेंगे पता नहीं क्या सब्ज़ी बनाई है। इस वजह से जो हाथ से मैं मैश करती हूँ ना उसमें थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है, तो पति देव वैसे ही खाना पसंद करते हैं तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। ये अच्छे से उबल गया है और ये ठंडा भी होने वाला, जब तक मेरा छौंक तैयार होगा जब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर लास्ट में डालूँगी। और पालक को मैं ऐसे ही मैश करती हूँ हाथों से। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि किचन में खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतना सा भी मैं पालक पीना तो यहाँ से उठ के उस कमरे में गई कूलर के सामने पालक पीना। और लहसुन भी मैंने छीला था तो वो भी मैंने क्या किया कि मैं पंखा चला के बैठी थी, चाहे कचरा उड़े तो उड़े बाद में झाड़ू लग जाएगी, पर ऐसी गर्मी में किचन में खड़ा रहना तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज का खाना बन जाए, कल होगा जो देखा जाएगा, बस ऐसे प्रार्थना करते हुए किचन में घुसते हैं। और अभी तो रोटी बनानी बाकी है और ये इतने बुरे हाल हो रहे हैं, सब्जी बना के बर्तन धुल के क्योंकि अभी सिंक पूरा भरा है और उसको धोना है, चाय के बर्तन और जो मैंने सब्जियां धोई वो है और पालक भी बॉईल किया था उसके भी है, अभी सब्जी बन जाएगी उसके है, तो सारे बर्तन पड़े, अभी तो बर्तन धोने बाकी है तो उसके बाद ही खाना बन, अभी रोटी बननी बाकी है जो बाद में बनेगी, पहले बर्तन धोऊंगी फिर कूलर में जाके बैठूंगी फिर आके रोटी बनाऊंगी।